जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 2 जनवरी 2021 दिन रविवार। रविवार भगवान सूर्य देव का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का साल गिरा है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान सूर्य देव का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज पौष माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होगी रात्रि 12:04 तक। आज के दिन अमावस्या का व्रत किया जाएगा। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है और इस दिन भगवान सूर्य देव का पूजन करें, क्योंकि रविवार का दिन है तो भगवान सूर्य देव को विशेष करके अर्घ प्रदान करें, उन्हें धूप दीप दिखाएं, इससे भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं। जो भी रविवार का व्रत करते हैं, रविवार के व्रत में नमक युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन नमक ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, खास करके अमावस्या तिथि के दिन। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ का पूजन करें इस दिन तो बड़ा ही लाभकारी होगा। सूर्योदय 6:35 और सूर्यास्त 5:10। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे 6:02 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे 4:39 पे। सूर्य धनु राशि में रहेंगे और चंद्रमा भी धनु राशि में रहेंगे। यह हेमंत ऋतु है, अयन दक्षिणायन रहेगा। योग वृद्धि योग 9:42 तक, उसके बाद व्याघात योग करण चतुष्पद करण 1:53 तक, उसके बाद किमस्तुघ्न करण। नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र 4:23 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। दिशाशूल की बात करें तो आज रविवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दलिया और घी खाकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज रविवार का दिन है तो रविवार के दिन भगवान सूर्य देव का पूजन करें तो लाभकारी होगा। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए जल में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करें, इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य देव केवल आंख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं, तो भगवान सूर्य देव को अर्घ जरूर प्रदान करें। रविवार का जो व्रत करने वाले हैं वो रविवार का व्रत करें तो नमक ग्रहण बिल्कुल भी ना करें और सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा 2:51 से 5:10 तक। गुली कालम समय होगा 2:32 से 2:51 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:32 से 12:04 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया और 3 अशुभ चौघड़िया होती है। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि 7:55 से लेकर के 9:14 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 9:14 से 10:34 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 10:34 से 11:53 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त 1:12 से 2:32 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त, जो कि 5:10 से 6:51 तक।
उसके बाद अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:51 से रात्रि 8:32 तक, उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:32 से रात्रि 10:12 तक, उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 1:34 से रात्रि 3:14 तक, उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 4:55 से सुबह की 6:35 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2078 आनंद है और शक संवत 1943 प्लव। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।